ऑफ वडोदरा। एकता नगर टेंट सिटी बे खाते मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने महत्वपूर्ण बैठक योजाई थी। केंद्रीय पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अध्यक्षता में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एकतानगर स्थित टेंट सिटी बे खाते योजनारी मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बैठक में काउंसिल सागरमाला प्रोग्राम अंतर्गत गुजरात लोथल में डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अमलीकरण संबंधित विविध विकास एजेंडा पर चर्चा करवामां आवशे। साथे भारत में आवेला बंदरों मोटी नदियों जोड़ाण अंगे पर चर्चा करवामां आवशे। राष्ट्रीय जलमार्ग पड़कारों विकास और रोपेक्स फेरी शहरी पैसेंजर जलमार्ग परिवहन रोड और रेल पोर्ट कनेक्टिविटी दरियाकांठा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सफलता की वार्ताओं राज्य मेरीटाइम बोर्ड द्वारा सामनो करवामां आवता मुद्दाओं पड़कारों पर चर्चा करवामां आवशे। આજે એકતાનગરમાં ભાષા સંગમ ના કાર્યક્રમ છે, એમાં દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી પ્રતિનિધિઓ આવ્યા છે અને લગભગ 22 જેટલી ભાષાઓ છે એના અહીંયા 2 દિવસની આ એક કોન્ફરન્સ સંગમ ભાષા સંગમનું આયોજન કર્યું છે અને આપણે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અને જે સરદાર સાહેબે એકતા માટેની વાત કરી છે એવા સ્થળ ઉપર અને ભાષાથી જ ભાષા છે આપણી સંસ્કૃતિ છે અને વિવિધતા આપણા દેશમાં હોવા છતાં અલગ અલગ ભાષાઓ હોવા છતાં વિવિધતામાં એકતાનો સંદેશ છે એ પણ સરદાર સાહેબે જ આપ્યો છે અને આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબ છે એને પણ હંમેશા ખાસ કરીને આપણે ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષાને આપણે વધારે મહત્ત્વ આપીએ એના માટે રાજ્ય સરકાર અત્યારે કામ કરી છે। આ વખતે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે ગુજરાતી ભાષાના જે દિવસ છે દિવસે 75 જેટલા કાર્યક્રમો આપણે એક સાથે ગુજરાતમાં કર્યા હતા। આજના આ કાર્યક્રમમાં માનીય શ્રી અતુલભાઈ કોઠારીજી છે એ પણ વાત કરશે, ભાગ્યશભાઈ છે। ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી ઓર શિક્ષા સંસ્કૃત ઉત્થાન ન્યાસ ઓર સરદાર સાહેબકી જો પ્રતિમા હૈ ઉનકે યહાં કા વ્યવસ્થાપન હૈ વો તીનો મિલકર इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम का मूलभूत जो हेतु है कि स्वतंत्र भारत में अपनी भारतीय भाषाओं को देश को तोड़ने का माध्यम बनाया गया कुछ राजनेताओं द्वारा, लेकिन हमारा सबका प्रयास है कि भारतीय भाषाएं देश को जोड़ने का काम करें और ये राष्ट्रीय एकात्मता को जोड़ने के लिए भारतीय भाषा संगम आयोजन किया जा रहा है और अपनी जो सारी भाषाएँ हैं वो उसका मूल एक ही है, संस्कृत है, इसमें से निकली हुई सारी भाषा है और सब एक है, काफ़ी एकता का भाव है इसमें। जैसे ओडिशा में गुजरात में जैसे मुड़ू भाई बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही वहाँ धर्मेंद्र भाई जो हमारे शिक्षा मंत्री है भारत सरकार के, उनको ओडिशा वाले धर्मेंद्र भाई बोलते हैं। तो ऐसे कई हर भाषाओं में कुछ ना कुछ समानता एकात्मता है, साथ साथ हमारी भाषा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भी है। आप देखिए कि हम जो लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, जो बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। वो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा ये सब हमारे यहाँ है, लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं है। जिसको आज इंग्लिश को बहुत हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है, तो उसमें भेद अलग अलग एक ही शब्द के अलग अलग प्रकार बोले जाते हैं। तो
तो इस दृष्टि से हमारी भाषा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और वो सारी भाषाएं हमारी एक है, एक आत्मता है, एकता है, और वो देश को एक करने के लिए भाषा काम करेगी। इस प्रकार का एक लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसके बाद हमने इसके 9 उपविषय निकाले हैं भाषा के, वो यह बैनर भी लगाया, उसमें भी सारे विषय लिखे हुए हैं। तो यहाँ योजना बनेगी कि ये 9 विषय उपविषयों के भी भाषा के जो है उसके 2-2 दिन के ऐसे राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन अलग अलग राज्यों में होगा। तो इस प्रकार की सिर्फ ये सम्मेलन नहीं होगा, संगम नहीं होगा, लेकिन सब आगे भी कार्य योजनाएं बनेगी और फिर से भारतीय भाषाएं, मातृभाषाएं, अपनी भाषाएं, उनको पुनर्स्थापित करने का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और आनंद की बात है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सारे विषय आ गए हैं। तो इस दृष्टि से हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश में जाकर भी हिंदी में बोलते हैं, तो ये सबको प्रेरणा दे रहा है। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए इस भारतीय भाषा संगम का आयोजन किया गया है। तो बहुत बदलाव हो रहा है, आप देखिए कि कल्पना नहीं कर सकते थे आप, हम लोग शिक्षा सर्वोत्थान जैसे पिछले 10 साल से कह रहे थे कि हमारी सारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना चाहिए, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आप सब भाषाएं, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन शिक्षा नीति में बात आ गई और AICTE ने 12 भाषा में इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम तैयार करके देश में दे दिया। मेडिकल की शिक्षा हिंदी में तैयार करने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। गुजरात सरकार ने भी व्यावसायिक शिक्षा को अपनी भाषा में करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। तो जो कोई कल्पना नहीं कर रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता है, वो तो इंग्लिश में ही चलेगा, ये सब में बहुत बड़ा बदलाव, ये एक माइलस्टोन है ये शिक्षा नीति, और हम भी इसको लागू करने के लिए देश भर में इसलिए काम कर रहे हैं। गुजरात साहित्य अकादमी अने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यासना अने स्टेच्यू एडमिनिस्ट्रेशन एम त्रणेना संयुक्त तत्वावधान में आपणे आ भाषा संगम योजो छे। भारतनी 22 भाषाना तज्ञ अहीं आजे उपस्थित छे। 2 दिवस सुधी माननीय अतुलभाई कोठारी जे वरिष्ठ प्रचारक पण छे अने अमारा मार्गदर्शक छे, एमनी निष्ठामां आपणे बधी भाषाओ केवी रीते एकबीजा साथे जोड़ाय अने भारतनी एकता ने एचीव करवा माटे, विविधतामां एकता साहेबे जे कह्युं बैरा साहेबे, એ એચિવ કરવા માટે કયા કયા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, કેવા કેવા કાર્યક્રમો કરવા જોઈએ, કયા પ્રકલ્પો હાથ ઉપર લેવા જોઈએ, એની ચર્ચા અને ચિંતા અને એનો એક્શન પ્લાન, બ્લુ પ્રિન્ટ આ બધું તૈયાર કરવા માટે 2 દિવસ અમે ચર્ચા કરવાના છીએ અને આજે રાજ્ય સરકાર તરફથી માનનીય મંત્રીશ્રી હાજર રહી અને અમને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે, એનો વિશેષ આનંદ છે। 40 રાજ્યોમાંથી 22 ભાષાઓના 180થી વધુ પ્રતિનિધિઓ બહારથી આવે છે, આપણા ગુજરાતના 40 છે, એમ કરીને 220 જેટલા થયા છે। મેઇન મોટિવ આ ભાષામાં જે ભારતીય ભાષાઓ છે એના વચ્ચે એકબીજા સાથે સંકલન પણ થાય અને જે તે પ્રાંતમાં ભારતીય ભાષાનું મહત્ત્વ વધે, જે વડાપ્રધાનશ્રી અને શિક્ષણ નીતિમાં જે વાત થઈ છે એ રીતે ભારતીય ભાષાઓનું મહાત્મ્ય વધારવા માટેના પ્રયત્નો શું શું કરવા જોઈએ એની ચર્ચા થશે।